नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज डेली मैं आपको क्या कराता हूं, एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स करा रहा होता हूं। इस सीरीज में हम लोग 7.1 के 9th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 7, 8, 9 आपको लगातार क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं हमारे द्वारा। आप लगातार, मैं उम्मीद करता हूँ, प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ लगातार आप मैथ्स पर कमांड करते हुए जा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, मजबूती से आप मैथ की तरफ बढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ हम आज 9th क्वेश्चन लेने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का। चलिए 7.1 का हम लोग आज 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ क्यू इज इक्वल टू 0.1 इस इक्विडिस्टेंट, अच्छा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, अच्छा ओके ओके, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख पाए क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे जरा कि आपको एक क्वेश्चन दिख पा रहा है, थोड़ा ग्रीन इफेक्ट, कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ बेटा, पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा। इफ क्यू, हट जाता हूँ मैं, इफ क्यू इक्वल टू 0.1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 5, -3 एंड आर x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और ला ऑल्सो फाइंड दिस। बेटा वो बात की बातें हैं, पहले x निकालना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये जो निकालना है बेटा, ये x हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें जो x निकालना है ये सबसे हमारा मेन टारगेट है। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एक है q जिसकी वैल्यू है 0.1, वो p और r से इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस कि ये और ये इक्वल हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं बेटा 5, -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं बच्चे x, 6। अब पिछले नाइन्थ, आपने जो पिछली वीडियो देखी होगी 8th क्वेश्चन वाली, उसमें हमें डिस्टेंस दिया था 10 यूनिट्स, लेकिन इसमें तो हमें डिस्टेंस भी नहीं दिया और हमें पॉइंट भी पूछ लिया, तो करना क्या है इसमें। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है इस क्वेश्चन में कि एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इनसे ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि जो ओ, इसको हम कुछ मान लेते हैं पी क्यू, क्यू वहाँ क्यों दिया बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो क्या अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो आप क्या कहेंगे कि गलत कह रहा हूँ मैं बेटा आपसे, क्या बताओ जरा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ओके पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूँ तो क्या ये गलत है? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि क्यू पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। क्या है बेटा? इक्विडिस्टेंट है कहाँ से? पी और आर से। तो कोई बात नहीं बेटा, इसको हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं इसको, नेस्ता नाबूद कर देते हैं बेटा इसको, आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने पास। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, है ना, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू बच्चे क्यू आर लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पी क्यू इज इक्वल टू बेटा क्यू आर होगा यहाँ से, ओके। अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो बेटा हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होगा बेटा, अंडर रूट एक्स टू माइनस, वो भी बेटा पुराना तरीका अपना। चलिए क्या होगा बेटा, पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो हमें लेना क्या है यहाँ पर, इसको हम बेटा मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, ओके, इसको मान लेते हैं एक्स टू और इसको वाई टू। अब जब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मल लगाएंगे तो ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा, और जब हम वहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मल लगाएंगे तो वो एक्स वन वाई वन हो जाएगा। सिंपल चीज़ है ना, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्वेश्चन को करते रहेंगे, ओके। चलिए ज़रा, तो बेटा क्या करेंगे यहाँ से, x2 मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारा y2 माइनस y1, तो 1 माइनस -3 प्लस 1 माइनस -3, बेटा माइनस की चीज़ को ब्रैकेट में रखेंगे, ये चीज़ होगी बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल किसके बच्चे, इधर साइड भी डिस्टेंस फॉर्मल लगा देंगे साथ में ही, इधर साइड यहाँ पर भी x2 यही है, तो क्या रहेगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बेटा y2 कितना है 1 और y1 कितना है 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, बाई एस बी एस पूरा रूट हटा देंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर देंगे तो दोनों तरफ से रूट हमारा हट जाएगा, स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड से की जाएगी तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन आ जाएंगी। बेटा 5 का, बेटा -5 का स्क्वायर बेटा 25 प्लस, बेटा माइनस माइनस प्लस होता है
थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इक्वल टू बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस वन माइनस सिक्स कितना होता है बच्चों, वन माइनस सिक्स कितना होता है माइनस फाइव, माइनस फाइव का स्क्वायर क्या होने वाला है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ही होने वाला। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से क्या हो गया, कट गया। सर ये डायरेक्ट कैसे काट दिया आपने? बेटा आप समझो, जब ये इक्वल टू को इस तरफ है ये प्लस का है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, तो प्लस का ट्वेंटी फाइव माइनस का ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट काट देते हैं हम लोग, ठीक है। होता क्या है यहाँ से हमारा, हमारा यहाँ से बचता क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो बेटा हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ से, बेटा 16 का रूट लेंगे, और 16 का रूट तो हर किसी को पता होगा, प्लस फोर और माइनस फोर, प्लस माइनस फोर। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई बेटा, जो ये बात कह रहा था ना हमसे करने के लिए कि आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो वो काम तो हमने यहाँ पर कर दिया है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा था ये करने के लिए, हमने वो कर दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है हमसे, ठीक है ना, ये हमसे एक्स्ट्रा इक्वेशन भी मांग रहा है, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। तो बेटा क्यू आर डिस्टेंस निकालना है और पी आर डिस्टेंस निकालना है, तो कोई बात नहीं, आसान वे में कर लेंगे इसको भी, क्यू आर और पी आर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसको क्यू आर और पी आर यहाँ पर अगर मेंशन करना चाहें तो क्या होगा बेटा, क्यू आर का मतलब आपको ये निकालना है और पी आर आपको ये निकालना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। हुआ क्या यहाँ पे बेटा, अगर आप इसकी वैल्यू माइनस फोर और प्लस फोर लेते हैं तो आपका जो आर पॉइंट है ना, आपके आर पॉइंट जो है वो दो बन जाएंगे, आर के जो पॉइंट है वो आपके दो बन जाएंगे। आर इक्वल टू एक बार आएगा बेटा फोर कॉमा सिक्स, है ना, और एक बार आएगा आपका आर क्या, माइनस फोर कॉमा सिक्स, है ना। यही तो बात मैं समझा रहा हूँ आपको इतनी देर से कि होगा क्या यहाँ से, आर की वैल्यू बच्चे दो आ रही है ना, R की वैल्यू प्लस फोर भी आ रही है माइनस फोर भी आ रही है, तो R के पॉइंट दो हैं, एक बार ये और एक बार ये, तो आपको क्या निकालना है, QR और PR, ठीक है ना, QR QR निकालना है आपको और PR निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए आपको एक बार ये वैल्यू लेनी पड़ेगी और एक बार ये वैल्यू लेनी पड़ेगी दूसरी वाली, यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई ठीक से तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग, डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, पहले पहले डिस्टेंस निकालते हैं हम पी आर, ओके, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू आर निकालते हैं, चलिए लिखा हुआ है हमारे सामने। क्यू आर की बेटा वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अगर हम पॉइंट को भी लिख लें तो पॉइंट बेटा क्या था हमारा, क्यू, क्यू पॉइंट कितना था बच्चे हमारा, जीरो कॉमा वन, 0.1। अब आप किसी को भी मान लीजिए x2 y2, किसी को भी मान लीजिए, इसको x2 y2 अगर मान लेते हैं हम, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आया ना बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बेटा कितना हो जाएगा ये, 4 स्क्वायर 16 होता है बच्चे, और 6 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 5, 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा ये, 25, कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, रूट 41, कितना आ जाएगा बेटा हमारे यहाँ से, रूट 41, ओके। अब हम निकालेंगे बेटा पी आर, पी आर निकालेंगे, ओके, पी आर निकालेंगे यहाँ से हम, तो पी आर की अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इस बार क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेते हैं फिर से बेटा, आर का तो ये पॉइंट था, पी का तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, पी की वैल्यू कितनी है ध्यान बताओ, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है हमारी, पी की वैल्यू 5 कॉमा माइनस 3, ओके, 5 कॉमा माइनस 3, और आर की वैल्यू हम ले क्या रहे हैं यहां पर, प्लस के टर्म्स ले रहे हैं 4 कॉमा 6, ओके। तो ये अगर हम करेंगे तो होगा क्या बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये फाइव माइनस फोर बेटा वन होता है, वन का स्क्वायर वन ही रहता है बेटा, ये कितना है, माइनस सिक्स माइनस थ्री कितना होता है, माइनस नाइन, माइनस नाइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 81, तो बेटा ये कहाँ से कितना आ जाएगा ये बेटा, यहाँ पे अंडर रूट 80, यहीं पे छोड़ देंगे बेटा, इसको और सॉल्व मत करने की कोशिश करना, 82 के फैक्टर्स निकालो आप, परफेक्ट उसका बना वो मत करना, इतना ही क्वेश्चन काफी है, ठीक है। ये निकल गया हमारा क्या, पी आर और क्यू आर,
ठीक है। अब एक चीज और बची है यहाँ पर, क्या करना है, क्यू की वैल्यू तो बेटा वही है 0.1, लेकिन अब आर की वैल्यू क्या लेंगे हम, -4.6। और जब हम पी आर निकालेंगे तो पी की वैल्यू तो बेटा वही है हमारी, कितनी है पी की वैल्यू, 5.-3, 5.-3, लेकिन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से अब -4.6। तो चीज हमें यही करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है क्यू आर निकालने के लिए, पी आर निकालने के लिए, बस जो पॉइंट है वो 4.6 की जगह पे कितना पुट कर देंगे इस बार, -4.6 पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है ना। बहुत ही ईजी वे में आप करिएगा इस क्वेश्चन को, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये हमारा 7.1 का 9th क्वेश्चन था। ऐसी मेरी रोज वीडियो और भी आती रहेंगी, काफ़ी सारी वीडियोस को आप देखते रहेंगे और आपको हर क्वेश्चन समझ में आता रहेगा, छोटी छोटी वीडियो होंगी, आपका ज़्यादा टाइम जाएगा भी नहीं, ठीक है ना। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इसमें मैं आपके इसके अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।